आप सबका बहुत से डिफरेंट डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टीट्यूट जाते हैं, आप बाजार में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, मुख्तलिफ लोग आप मिलते होंगे मुख्तलिफ माइंड सेट के। फॉर एग्जाम्पल आप एक काउंसलर भी हैं, टीचर भी, क्राकी भी हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग मिलेंगे। आज से 2 साल पहले मेरा एक छोटा सा सर्कल था दोस्तों का, मैं बस उनसे मिलता था और मेरे कजन से जिनसे मैंने मुलाकात होती थी। मैं ना ही घर से बाहर निकलता था, ना ही मेरे मोहल्ले में दोस्त थे, ना ही कोई और था। लेकिन 2 साल पहले जब मैं कॉलेज के अंदर आया तब मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट की। पहले मैं समझता था कि लोगों के एटीट्यूड बहुत अच्छे हैं आपसे, यानी जिस तरह आप लोगों के साथ रिएक्ट करेंगे लोग आपके साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करेंगे, आप लोगों के साथ अच्छा बनेंगे तो लोग भी आपके साथ वैसा ही होंगे। लेकिन मैं जब लोगों से मिलना स्टार्ट हुआ, थोड़ा बिजनेस के अंदर आया, डीलर से बात करना स्टार्ट की, फिर मुझे पता चला कि कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश मिजाज होते हैं तो किसी की लगता है भैंस मरी है, कुछ लोग बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं जस्ट लाइक योर खाला, और कुछ लोग तो बस आपके ग्रेड के पीछे रहते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, कुछ लोग आपके ग्रेड से पीछे रहते हैं। और मैंने तो एक और चीज देखी है, कराची वाले का एक और मिजाज ये है कि पान डालेंगे मुंह में एंड दैट्स इट, ना वो आपको कुछ कहेंगे, ना आपको कोई मसला होगा उनसे, ना उनको आपसे कोई मसला होगा, अपनी दुनिया में मगन रहेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट बिहेवियर साइकोलॉजी है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी देयर आर 107 डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ पीपल, जिसमें एक्सट्रीमिज्म, ऑप्टिमिज्म, जेलिसी, हैप्पीनेस, बहुत बड़ी लिस्ट है। इस्लाम में 40% देयर इज हुकूकुल्लाह, यानी नमाज और जो अल्लाह की इबादत है, एंड द रिमेनिंग 60% इज हुकूकुल इबाद, योर रिलेशन विद योर पेरेंट्स, योर रिलेशन विद योर रिलेटिव्स, योर नेबर्स, योर सिबलिंग्स, एवरीथिंग। आपका लोगों से बर्ताव कैसे, लोग आपको किस चीज से याद रखते हैं, आपके आने पे क्या लोग खुश होते हैं, कि क्या आपके जाने के बाद लोगों को खुशी होती है, आने पे होती है, जाने पे होती है, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, नेगेटिव एटीट्यूड। लेकिन असल चैंपियन, असल विनर वो होता है जो कि नेगेटिव सराउंडिंग के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर पॉजिटिविटी रिएक्ट करता है। असल पॉजिटिव बंदा वो होता है, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, लोग आपसे एडवाइसेस लेंगे, आपके पास बैठना पसंद करेंगे। सो दिस मैटर्स अ लॉट, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मैटर करता है इंसान की लाइफ में। अब किस तरह इंसान पॉजिटिव हो, द फर्स्ट वन, हर किसी की लाइफ में डिफरेंट प्रायोरिटीज है। मेरी प्रायोरिटी कुछ है, आपकी प्रायोरिटी कुछ है, मेरे एनिमीज कुछ है, आपके एनिमीज कुछ है, मेरा डिफरेंट डिफरेंट, मेरा विजन कुछ है, आपका विजन कुछ है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी लाइफ बराबर होगी? हो सकता है ऐसा? सबकी लाइफ अलग है, हर किसी, जो आपको उसकी अच्छाई नजर आ रही है आपको नहीं पता पीछे क्या क्या फेस कर रहा है वो, जो उसको आपकी अच्छाई नजर आ रही है उसको नहीं पता कि आप क्या क्या फेस कर रहे हैं। सो डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। एंड देन सेकंड वन इज डिजायर्स, इंसान अपने डिजायर्स पे कंट्रोल रखे। डिजायर के बारे में ये है कि इंसान जितना ज्यादा आगे बढ़ते रहेगा ना, उसकी डिजायर नेवर एंडिंग है। वो आज ऑल्टो पे खुश होगा, ऑल्टो मिलेगी, ऑल्टो पे फिर करोला पे जाएगा, फिर करोला के बाद वो सिविक पे जाएगा, करते करते नेवर एंडिंग डिजायर है उसकी, कभी कभी पूरी नहीं होगी। तो अपने डिजायर को इंसान जितना अपने उसके अंदर खुश रहता है, उतना शुक्र अदा करता है अल्लाह का, उतना अच्छा रहता है। अल्लाह कुरान में 5वें पारे के आखिरी आयत में फरमाते हैं, मा यफअलुल्लाह बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम आमनतुम, बड़े प्यारे अंदाज से फरमाते हैं कि मुझे क्या पड़ी कि मैं तुम्हें अजाब दूं, अगर तुम शुक्र करते रहो तो मैं ईमान ले आऊं। शुक्र अदा करते रहे, अपनी हर सराउंडिंग जो अल्लाह ने आपको दिया है उस पर खुश रहें। एंड देन फाइंड अल्टरनेटिव्स। आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे मसले मसाले आएंगे, कोई मसला नहीं। अगर आप एक सब्जेक्ट में नहीं पास हो पा रहे, अगर आपसे नहीं हो पा रहा, ओके, दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाएं। इस्लाम भी हमें यही कहता है, इंसान की लाइफ बिल्कुल बहते हुए पानी की तरह होनी चाहिए। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप समंदर पे जाएं तो आप देखेंगे कि किस तरह लहरें आ रही हैं। कुछ जगहों पे बिल्कुल इजीली जा रही हैं और कुछ जगहों पे पत्थर हैं काफी ज्यादा। अब होता यह है कि पत्थर से काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती हैं लहरें। अब आप क्या करें कि एक स्टिक लें और बारी बारी पत्थरों को हटाना शुरू करें। करते रहें, कुछ बहुत बड़े पत्थर होंगे नहीं हटेंगे आपसे, पत्थर हटाते रहें, कोशिश करें, हट जाएंगे। इसी तरह आपकी लाइफ में कुछ मोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उन लाइफ की रूट्स तक जाएंगे, उन लाइफ की जड़ तक जाएंगे, यार क्या प्रॉब्लम क्या है कि मेरे साथ ये मसले आ रहे हैं लाइफ के अंदर, एंड देन उन पर काम करना शुरू करें, करते 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 आपकी लाइफ बिल्कुल ईजी और बहुत अच्छी स्मूथ हो जाएगी।